यह है एक ट्रांसपेरेंट होम जिसको हमने पूरा पॉलीथिन से बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आप इसके आर पार देख सकते हो। ओ भाई साहब, जो ये घर है ना, वो पूरा का पूरा पॉलीथिन से बना हुआ है। और हम इस घर के अंदर आज करेंगे चैलेंज, यानी कि इस घर के अंदर रुकने वाले हैं पूरे 24 घंटे। गाइस करते हैं चैलेंज स्टार्ट। ये तो गाइस जो हमारा चैलेंज है वो स्टार्ट हो चुका है, और अब हमारे को इस ट्रांसपेरेंट होम के अंदर रहना है 24 आवर्स। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख लो, ये रहा हमारा रूम। तो आज हम इसके अंदर पूरे 24 घंटे बिताने वाले हैं। यहाँ पर ये टेबल है, उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ये दो है चेयर, और ये मोटे ने कितनी सारी खाने पीने की चीजें रख रखी है। ये मेरी मोटे, अब तू क्या करेगा, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत अंदर वाला बाहर कोई है ही नहीं देखने वाला। अच्छा बाहर कोई देखने वाला नहीं। ये भी सही बात है गाइस, ये हमने हमारे खेतों के अंदर बना रखा है। और गाइस हमने यहाँ पर आप देख लो कुछ लाइट वगैरह भी लगा रखी है जिसको हम जलाएंगे रात को। और भाई पूरा पॉलीथिन का घर है, तो जब हम रात को यहाँ पे लाइट जलाएंगे ना, तो यार पता नहीं कैसा व्यू आने वाला है। बाकी गाइस जो पॉलीथिन का घर है वो आप बताइए कि कैसा लग रहा है। कुछ ऐसा है हमारा ये पॉलीथिन का घर जो कि पूरा ही कितना कमजोर है, ट्रांसपेरेंट। हाँ दीवार अच्छी है यार, दीवारें काफी ज्यादा मजबूत है। और ये गेट आप देखो हमने कैसे बनाया है, पूरा का पूरा। और ये पूरा ही वाटरप्रूफ है, यानी कि बारिश नहीं आ सकती है अंदर आराम से। ये अरे तोड़ दी लाइट है, ये मैंने पहले ली है। ओए मोटे, मैंने पहले ली ना, मुझे नहीं पता, जो जीतेगा वो खाएगा इसको। मेरा हाथ मैच में जीत गया। ये लड़ो नाथ मार, नाथ नंगी जो नाथ मार मुंह पे। ये पूरी खा गया, इसको भी ला लो पेट में। अरे देख इसने इसने खोल दी इसको। उसकी छट पड़ गई, उसकी छट पड़ गई। अब किशो इसके कपड़े फाड़ दे, डिजाइन बना दे, डिजाइन हटे पीछे से देख। गाइस देखो ये न्यू डिजाइन। तो गाइस अभी तो शाम होने में टाइम है, सूरज है ना वो काफी ज्यादा ऊपर है, तो टाइम लगेगा पूरी शाम होने में। थोड़ी सी धूप लग रही है अभी, क्योंकि देख लो ये है ना पॉलीथिन का है। और बाकी वाटर प्रूफ है, तो अगर बरसात वगैरह भी आई, वैसे अभी बरसात का मौसम है तो आ भी सकती है बरसात वगैरह, लेकिन कोई टेंशन नहीं, ये पूरा वाटर प्रूफ है। तो मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, मेरा शर्ट लेके आ जाऊँ। बस शर्ट तो है देख, ये क्या है, ये क्या है, कैप्री बना दी इसको। वही मतला के देना, ऐसे ही रहने देना इसको, ऐसे कल कल वापस बाहर निकले तो चेंज कर लेता हूं। दोनों हाथों से मजा नहीं आता, पहले शर्ट ले तो। दोनों हाथों से दबा, आगे सर्दी पीछे गर्मी। इसके भी फाड़ देता, लेकिन ये टी शर्ट ही मेरी है। सूरज है ना वो तो डूब चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर तो उजाला रहने वाला है। तो हम सोच रहे हैं लाइट जलाने की, लेकिन बाद में हम आपको लाइट जलाकर बताएंगे। अभी तो क्या मतलब, कुछ मतलब ही नहीं है, उजाला है अभी तक तो। आराम से 2 घंटे लगेंगे पूरा अंधेरा होने में। अभी क्या हुआ, पूरा खुला खुला है तेरे को, क्यों गर्मी लग रही है। अब ले मोटे मोटे उड़ाते आ जा, मोटा की शर्ट उड़ उड़ा के। चल ठीक है, चिड़िया उड़, मैना उड़, भैंस उड़, बतख उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, कुत्ता उड़। किशो वो हाथ को मारने का होता है, कमर पे नहीं। ओए अब गेम नहीं खेलेंगे, मजा आ गया, अब नहीं खेलेंगे, अब नहीं खेलेंगे, अब नहीं, अब खेलेंगे नहीं।
तो गाइस यहाँ पे आप देख लो पूरी रात हो चुकी है और हमने लाइटिंग स्टार्ट कर दी है और अब जो ये हमारा ट्रांसपेरेंट होम है वो देखिए कैसा लग रहा है। तो गाइस देखो पूरा पूरा ये ट्रांसपेरेंट है और जो लाइटिंग है ना वो यार लुक मार रही है इसके ऊपर भयंकर वाली। कोई सनरूफ निकालेगा इसमें? निकाल दे सनरूफ। तो अब तू रख ले ना, ले इसको दे दे गरीब को, दे दे गरीब को, दे दे गरीब को, दे दे। गाइस बोर हो रहे यार बुरी तरीके से, अंदर कितना टाइम हो गया हमारे को, खाने पीने की चीज़ें हैं, पानी भी हमारे पास, लेकिन तो भी हम बोर हो रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे ना एक छोटा सा सनरूफ है तो उससे मैं देखता हूँ बाहर कि बाहर वाला मौसम कैसा है। छींटे आ रहे थोड़े थोड़े भाई, बरसात का मौसम है बाहर तो, और यार काफ़ी ज़्यादा ठंड है सच में, इतना मस्त माहौल है बाहर तो, पूरा ठंडा ठंडा गाइस, अंदर की तरफ गर्मी है, बारिश आ सकती है रात को। ओ भाई इसके अंदर क्या है देख, छुपा के रख रखा। मैंने नहीं छुपा। क्या कर रहा है? काम है। क्यों खड्डा क्यों कर रहा है, पागल है क्या? अरे पहले इतने सारे कीड़ा आ रहे अंदर, आने देना तो क्या, मेरे को टॉयलेट लग रही है, यही दिन देखना बाकी रह गया था। बदबू आ रही है आज तो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो गाइस अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों पंजा लड़ाने वाले हैं और अगर मोटा जीत गया ना तो इसको टी शर्ट देंगे भिखारी को। गाइस मेरे सपोर्ट में रहना, तेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, ठीक है कोई नहीं है। हार गए, हार गए, नहीं हो गया स्टार्ट हो गए ना। अरे मेरी बात सुन, तू है ना असलियत में जीता नहीं है, हम तेरे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। हे श्री व्हाट इज द टाइम? इट्स 12:05 AM। ओ भाई साहब 12:05। हल्की हल्की बारिश आ रही है, देखना आपको आवाज आएगी, सुन रहे हो, हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, छींटे आ रहे हैं हल्के हल्के से, अभी इतनी ज्यादा तेज स्टार्ट नहीं हुई, तेज नहीं आनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो ये वाटर प्रूफ है लेकिन जो ये लाइटिंग वगैरह है ना इनमें फुल परेशानी हो सकती है, नीचे से भी पानी आ सकता है, नीचे भी पानी आ सकता है, पता चला पूरा नीचे तालाब बन जाए और अपन यहाँ पर है और ये पलंग वो तैर रहा है ऊपर ही ऊपर, पानी भी नहीं जाएगा बारिश में से, तभी तो। द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस हम है ना यहाँ पे कोई चीज बना भी नहीं सकते, जैसे आग जलाएंगे 101% जो ये पूरी पॉलिथीन है ना वो जल जाएगी, तो इसलिए हम कुछ नहीं बना सकते। अगर भूख लगे तो बस वेपर्स वगैरह खा लो, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कौन सा वाले वेपर्स है यार? ये क्या देसी जोलो चिप्स? बूम ऐसे बिल्कुल भी तीखी नहीं है गाइस। गाइस चाय आ चुकी है देख लो घर से, और मोटा नहीं पी रहा, मोटा बोल रहा है मैं काला हो जाऊंगा। क्या है इसके दिमाग में, मोटा चाय पी ले। मोटा कौन सा फिल्टर यूज कर रहा है स्टाफ है? ओ ये कितना बड़ा वाला फिल्टर यूज कर रहा है, फिल्टर लगा लगा गोरे दिखता बेटा, जहां से मैं ना फंसे। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो कितनी तेज धूप है और सेम टू सेम जो अंदर वाला माहौल है ना वो उसी कारण से ज्यादा गर्म हो रहा है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना वो अंदर बनना स्टार्ट हो चुकी है, जो सूरज की किरण है वो तो अंदर आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा रही है। यार माउंटेन ड्यू लेके आता ना, डर के आगे जीते, पसीना दिख रहा है तेरे को? मेरे को तो ऐसा लग रहा है ज्वालामुखी फट गई, उसके पास बैठा हूं। भाई ये कैसे होगा, दो घंटे कैसे निकालेंगे यार पसीने, देखो गाइस ऐसे पसीने निकल रहे भयंकर तरीके से। कल तो बारिश का मौसम था मस्त, सो कोल्ड ड्रिंक में मिक्स कर ले नमकीन, कोल्ड ड्रिंक में मिक्स करके पी ले किशोर। अरे पसीना छिटक रहा है चार तरफ, मोटे चार्जर पूरे पसीने को, तो हालत खराब है यार मैं मोटे, ये यहाँ से बहता हुआ मुंह में जा रहा है जी। और फिर कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट और साथ में ओ माय गॉड मीठा और नमकीन मिक्स, कोल्ड ड्रिंक पीना है तो गर्मी में रहना पड़ेगा मेरे भाई, और ऐसा पसीना मेरे ऊपर मत लाना पसीना, तेरे ऊपर ही रख मेरे ऊपर, मेरा पसीना ही बहुत है, बहुत ऐसा लग रहा है मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, उनको भी इतना नहीं होता। ये भी खाली हो गई, अब तो आखिरी जरिया था।
ठंडा होने का। और लिया भैया, मैं भर रहा हूँ और मैं भर रहा हूँ, इधर देख इसको पसीने को इसमें भर रहा है वापस। देख नाक के ऊपर से जो गिर रहे ना बूंदे बूंदे उससे भर रहे हैं। ये दो घंटे कैसे निकलेंगे भाई? दो घंटे में इसको भर लूंगा। ओ ये शर्ट देख तेरी इसको फेंको यार, कितनी बकवास लग रही है ये। इतना तो भर लिया देख। ओ भाई साहब, हे श्री, What is the time? It's 11:50 AM. 11:50 और इतने कड़ाके की गर्मी है कि पूरी 12 बज रही है। जो हमने ये चैलेंज डिसाइड किया था ना, वो हमने सोचा था कि बरसात का मौसम रहेगा, क्योंकि अभी वैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस वजह से हमने सोचा ऐसा ट्रांसपेरेंट होम मनाते हैं। हमें क्या पता था दूसरे दिन इतनी गर्मी होगी। लाइफ इज झंड, वेरी वेरी झंड। मैं तो ऐसे मुंह बाहर निकाल के रहने वाला हूँ। क्या है? बाहर जाने की नहीं है, बाहर निकालना भी नहीं है। कैमरामैन पत्थर की मार देना बाहर। मैं तो इसको मार के सो रहा हूँ यार, मैं तो इसको उड़ूंगा। ओए देख, मैंने पकड़ भी नहीं रखा, ऑटोमेटिक से सिर जल जाएंगे, पूरे बाल जल जाएंगे। कुर्सी कितनी गर्म है देखिए, ऊपर कटोरा कटिंग हो जाएगी, गंजी हो जाएगी ऊपर बीच में थोड़ी सी देर के अंदर बाल पूरे जल गए। देख जादू देख मेरा, मैं तेला फिर ऊपर गिरा दूंगा इसको। मैं पसीना आ रहा है यार, मान जाना। और ठंडा है बस। तो फाइनली इस वीडियो को कोई देख के ये मत सोच लेना कि यार ये वाला चैलेंज करता है आसान है। मैं मानता हूँ कि हमने कल ये स्टार्ट किया था, हमने सोचा था बरसात का मौसम चल रहा है तो गर्मी नहीं होगी, तो कल तो नहीं हुई थी गर्मी, लेकिन आज हालत खराब हो रही है। हमें क्या पता था कल इतनी धूप होगी यार। अगर हल्की हल्की बारिश आती ना तो ये चैलेंज अच्छा हो जाता। ठंडा ठंडा, वाह किशोर वाह। मेरे कौन करेगा तुम्हारे वाह के चक्कर में, मेरे को गर्मी हो रही। तो गाइस धूप देखो बिल्कुल ऊपर से आ रही है, तो हमारा जो उनका टाइम है वो हो चुका है पूरा, लेकिन वो अभी भी बाहर नहीं निकल रहे, शायद उनको पता नहीं है। मैं जाके बोलता हूँ उनको। अब कितनी धूप पड़ रही है चारों तरफ। क्या 48 आवर्स का ही क्या चैलेंज? नहीं 24 आवर्स का हो गया ना टाइम पूरा। कोई क्या कर रहा हो? अरे हलचल नहीं कर रहा है वो। अंदर तो मैं भी नहीं जाने वाला। गाइस पसीना देखो। अबे ओए इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरे को। भाई साहब जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा नहीं होता। हमने सोचा था अच्छा होगा पूरा चैलेंज, हालत पूरी ख़राब हो गई, इतनी गर्मी हो रही थी अंदर, लेकिन हमने पूरा चैलेंज कंप्लीट किया। वीडियो में कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, लाइक करना वीडियो को, चैनल पर नहीं हो तो करना चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। हाँ हाँ